महानगर में शुक्रवार की सुबह कड़ाके की ठंड और गलन ने नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस दौरान गलन व ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाकर लोग ठंड से बचते नजर आए। इस अवसर पर एक नागरिक पवन गौड़ ने कहा कि सुबह से बढ़ी ठंड व गलन ने समस्याओं को बढ़ा दिया है। घर से बाहर निकलने पर जैकेट, टोपी व हाथों को ढककर निकलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दूर चलने के बाद अलाव के पास बैठकर हाथ को गर्म करके ही आगे बढ़ रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि ठंड से हाथ और पैर जकड़ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात से ठंडी हवा चल रही है, जिससे दिन में गलन ज्यादा हो गई है और आग का सहारा लेना पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिकों ने कहा, भूकंप आ जाता गिरीश त्रिपाठी। हर दिन की अपेक्षा आज ठंडक ज्यादा पड़ रही है और गलन ज्यादा लोगों को महसूस करना पड़ रहा है, क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि मतलब टेम्परेचर भी लग रहा है कि ज़्यादा ही लो चली गई है। किस तरह की समस्या हो रही है आपको बाहर निकलने में? बाहर निकलने में सर ठंडा महसूस हो रहा है, क्योंकि मतलब हाथ में गर्म सा ज़्यादा महसूस हो रहा है। पहले कुछ दिन से अभी देख रहे थे कि आप लोग जैकेट वगैरह नहीं पहनते आज। जी जी, गलन बढ़ने से काफ़ी। हाँ सर, आज गलन बढ़ने से सभी लोगों को मतलब जैकेट और टोपी वगैरह ज़्यादा पहनना चालू कर दिए हैं। पवन गौड़। अच्छा, आज का ठंडा बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी मैं चल रहा हूँ रोड पे, उस रोड पे हर जगह कूड़ा देख जलते हुए दिखाई दे रहा है, और हवा के साथ रात में जो नाइट पूरा हवा चला है, सुबह पूरा हवा की वजह से ज़्यादा गलन है। और जो दोपहिया वाहन लोग चला रहे हैं भैया लोग, उस लोगों का भी ठंडक से महसूस कर रहे हैं। और जहाँ भी कूड़ा जल रहा है वहाँ पर तापने की अपना राहत अपना कोशिश कर रहे हैं कि मदद मिले और कूड़ा से ज़्यादा ठंडक से निजात मिले जो है। और गलन बहुत ज़्यादा है। हम खुद भी जो चल रहे हैं साइकिल से, इतना दूर से आए हैं गाँव से, बहुत ठंडक है। आज कोहरे पे बैठे हैं, थोड़ा राहत मिला है।